और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राज्यसभा से, जहां नेता सदन बनाए गए हैं जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन चुना गया है। तो बड़ी खबर, जहां आज संसद सत्र के पहले सत्र में के पहले दिन सांसदों ने शपथ ली, तो वहीं राज्यसभा में नेता सदन चुने गए हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को नेता सदन चुना गया है राज्यसभा के अंदर। बड़ी खबर समय की आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा बनाए गए हैं राज्यसभा में नेता सदन। दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा आखिरकार शादी के बंधन में बंध गई हैं। सोनाक्षी जहीर इकबाल अंसारी की दुल्हनिया बन गई हैं। दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के बंधन में बंधे हैं। दोनों शादी में आए फिल्म जगत के सितारों ने पार्टी में चार चांद लगा दिए। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गई हैं। मुंबई में इस कपल का ग्रैंड वेडिंग फंक्शन रखा गया, जिसमें सोनाक्षी सफेद साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों कपल ने रजिस्टर्ड मैरिज की है। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल मुंबई के दादर में शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में रिसेप्शन की शानदार पार्टी थी, जिसमें हजारों मेहमान शामिल हुए। बता दें कि दबंग गर्ल लाल साड़ी और सिंदूर लगाए एकदम भारतीय नारी लग रही थी। सोनाक्षी का रिसेप्शन लुक सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा। रिसेप्शन में दोनों कपल के पहुंचते ही दोनों का शानदार स्वागत हुआ। फूलों और लाइट्स की शानदार सजावट ने पार्टी की शोभा को और बढ़ा दिया। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के बाद अब दोनों के रिसेप्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही। न सिर्फ सजावट बल्कि हिंदी सिनेमा के सितारों ने एक्ट्रेस की शादी में शामिल होकर इस समारोह में चार चांद लगा दिए। अपनी बेटी की शादी में शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम सिन्हा के साथ एंट्री ली। इस दौरान ब्लू कलर के कुर्ता पैजामा में वो काफी हैंडसम दिखे। वहीं सोनाक्षी के अजीज दोस्त और सिंगर रैपर हनी सिंह ने भी अपने स्टाइलिश अंदाज में उनकी शादी अटेंड की। बिग बॉस OTT3 के होस्ट अनिल कपूर और बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे को सोनाक्षी और जहीर के रिसेप्शन में देखा गया। तो इसी के साथ 5 की 8 फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी है।